दुर्ग जिले में नर्सिंग होम एक्ट के दुर्ग जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान कार्ड धारक मरीज और उनके परिजन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिला चिकित्सालय समेत 56 डायलिसिस की सुविधा अस्पतालों में है, जहां आयुष्मान कार्ड के द्वारा डायलिसिस किया जाता है। बता दें कि दुर्ग जिले में नर्सिंग होम एक्ट उल्लंघन को लेकर दुर्ग जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला लगातार कार्यवाही कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत नोडल अधिकारी ने 4 अस्पतालों का दौरा कर नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में गंदगी और अव्यवस्था देखी गई। उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने इन समस्याओं को दूर नहीं किया तो आगे कार्यवाही की जाएगी। और भी बताना चाहूँगा, अभी जो आरोग्य में जो हमने कार्रवाई की थी, क्योंकि उनकी अभी भी 2 प्रकरण में उनकी जांच चल रही जो काफ़ी गंभीर है। एक तो जो प्रसूता की जो मृत्यु हुई थी उसका उन्होंने नियमानुसार जो सीएमओ ऑफिस में उनको सूचना देना चाहिए 48 घंटे में, वो उन्होंने नहीं दिया। और जो शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज से जो डॉक्टर ने उनको वहाँ पे देखा था, उन्होंने चूँकि शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में खुद भी 16 डायलिसिस मशीन है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे डिलीवरी के बाद ये बताते हुए उसको रेफर किया आरोग्यम में कि इसको यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है। और जबकि वहाँ पे आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, मात्र उसकी 26 साल उम्र थी। वो तो लापरवाही थी, उसकी भी जाँच चल रही है। और जो उन्होंने नियम का पालन नहीं किया, 48 घंटे में सूचित नहीं किया, उसको भी हम संज्ञान में लेकर के उसकी भी जांच कर रहे हैं। शंकरा भी जांच के दायरे में, शंकराचार्य